जाए तो रामायण आदिकाव्य है ना, और लव और कुश ने रामायण को राम दरबार में गा के सुनाया था। इसका मतलब ये है ऋचा कि काव्य की परंपरा और काव्य को संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाने की परंपरा भारत में आदिकाल से ही चलती आ रही है। हाँ, अब जब संगीत की बात हो या संगीत की सभाओं की परंपरा की बात हो, जैसा सत्या बता रही है, तो वाकई में ऐसा देखा गया है कि ये भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। बल्कि देखा जाए तो टाइम के साथ बेशक ही इसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी भी ये हमारे साथ उसी तरीके से जुड़ा हुआ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता ऋचा, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो कहीं ना कहीं संगीत को कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत करने की, और खासकर जो बैठक की कला है, संगीत बैठकों की कला है या उसकी जो विधि है, वो कहीं थोड़ी थोड़ी सी खो सी गई थी। बहुत कम संगीत बैठकों का आयोजन होता है आजकल। हाँ, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी बेहद प्रतिभाशाली आर्टिस्ट म्यूजिशियन है जिसे किसी के परिचय की खास आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, तो वो आइए मिलवाते हैं आपको अपने मेहमान से, आकांक्षा ग्रोवर जी से। आकांक्षा ग्रोवर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन जैसे कि हमारे शो की ना एक परंपरा है कि जब भी कोई सिंगर आते हैं तो वो हमारे दर्शकों का स्वागत गा कर करते हैं, तो बताइए आप कैसे आज स्वागत करेंगी आज हमारे दर्शकों का? क्योंकि राम जी के बारे में अभी बात हो रही थी, उन्हीं के एक भजन से शुरू करते हैं। वाह, इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। तानपुरे की आवाज अपने आप में ही कितनी मेडिटेटिव होती है। सही बात है। सुबह सुबह है, सुबह सुबह का राग है, अहीर भैरव में ही एक भजन। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। वाह, क्या बात है। वैसे राम का गुणगान तो मुझे लगता है कि आज पूरी देश और दुनिया का जन जन कर रहा है अपने अपने माध्यम से। और अब जब हम बात कर ही रहे हैं और हम सब जानते हैं कि किस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं, तो चलते हैं सीधे अयोध्या डॉक्टर प्रवीण तिवारी के पास और उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं इस वक्त अयोध्या में, क्या क्या खास हो रहा है। प्रवीण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सरयू के घाट पर ये सुंदर आरती की आवाजें बहुत मुमकिन है आप सुन पा रहे हो। बिल्कुल नजदीक पातालपुरी हनुमान जी का मंदिर है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है और बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब अयोध्या नगरी में आते हैं, राम जन्मभूमि में जो नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, अब उसको लेकर लोगों की उत्सुकता है। लेकिन दूरदर्शन के जरिए हमने आपको पूरा अयोध्या दर्शन भी करवाया। अयोध्या प्राचीनतम नगरियों में से एक है जिसका जिक्र तमाम पुराणों में मिलता है, लगभग सभी पुराणों में इसका बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। अब जब आप अयोध्या में निकलते हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, जो पुरातत्व महत्व के हैं और आस्था का केंद्र तो हैं ही,
आपको पग पग पर सिया रामचंद्र और माता सीता के कई मंदिर दिखाई देते हैं, हनुमान जी के कई मंदिर आपको अयोध्या में देखने को मिलते हैं। ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर 550 साल पुराना मंदिर ठीक मेरे सामने है और बहुत ही पुराना विग्रह यानी मूर्ति जो सिया राम लक्ष्मण जी की और सीता जी की हनुमान जी की प्रतिमा है वो भी काफ़ी पुरानी है। तो ऐसे कई ऐतिहासिक महत्व के मंदिर और सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी जगह का दिखाई पड़ता है तो वो माँ सरयू का दिखाई पड़ता है। हम दूरदर्शन के जरिए जो खास प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं, शाम 5 बजे आप देखते होंगे कि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो कई मंदिरों के बारे में जिक्र आया और सच पूछिए तो मेरे लिए यहाँ गुप्तार घाट पर बैठे पड़े। मैं प्रतिदिन अयोध्या में अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, तमाम मंदिरों को देखता हूँ। हनुमानगढ़ी कल जाना हुआ सौभाग्य से और फिर रामलला के दर्शन हुए, इसके बाद में नए मंदिर को देखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ जिसको लेकर तैयारियों का पूरा जायज़ा हमने लिया। मैं आपको बता दूँ कि सारी तैयारियाँ चाक चौबंद हो गई हैं। मैं खुद वहाँ पर होकर आया हूँ, जब उस कैंपस में गए, हालांकि बहुत ही सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तस्वीरों के ज़रिए अभी सामने नहीं रखी जा सकती। बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं, भव्य आयोजन होगा निश्चित तौर पर। दूरदर्शन ने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियाँ की हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपको ये कार्यक्रम जो है वो पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। इसकी तैयारियों को देखना अपने आप में उत्साह से भर देता है। साथ ही साथ में अगर मंदिरों का जिक्र किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि आप जब रामपथ से होते हुए गुजरते हैं, रामपथ एक नया रास्ता बनाया गया, यानी समझ लीजिए अयोध्या का जो मुख्य मार्ग है वो अब रामपथ बनकर तैयार हो गया है। आप फैजाबाद से जैसे ही अयोध्या में एंटर, फैजाबाद का ये जो क्षेत्र आता है ये भी अयोध्या का ही क्षेत्र है, लेकिन अयोध्या यानी राम जन्मभूमि का जो मूल क्षेत्र है उसमें रामपथ के आसपास आपको लगभग जितने मंदिरों के बारे में आप सुनते हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे दशरथ महल है, जैसे कनक भवन है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो हमारी आस्था के केंद्र हैं। तुलसी वाटिका भी आपको यहीं पर मिलेगी। आप आगे जाएंगे तो राम की पेड़ी, आहा खूबसूरत, देखते ही बनता है जिस तरीके से उसको तैयार किया गया है। पूरा जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है और उसको भी हमने कई बार दिखाया। लेकिन गुप्तार घाट, ये मैं आपको बता दूँ, मैं बार बार कहता हूँ और मैं हमेशा गुप्तार घाट से आपके बीच में उपस्थित होता हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। सबसे महत्वपूर्ण घाट अगर कोई माना जाता है अयोध्या में और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तो वो यही गुप्तार घाट है जिसके किनारे पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इसका अपना महत्व है और ये जगह इतनी मनोरम है, इतनी सुंदर है कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपका मन अपने आप अध्यात्म में रम जाता है। निश्चित तौर पर पर्यटन के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आस्था का केंद्र और पर्यटन भी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई सारी बोट्स हैं और ये बोट्स चलना शुरू हो जाती हैं, लोग राइड करते हैं और सरयू में इस समय पर इस मौसम में भी आप देख रहे हैं अथाह जल राशि देखने को मिलती है। जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ से वहाँ तक आपको सरयू में जल ही जल दिखाई देता है। और ये सरयू का जो किनारा है इसका महत्व कहाँ कहाँ वर्णित नहीं है। स्कंद पुराण से लेकर वाल्मीकि रामायण से लेकर हर जगह सरयू माता का गुणगान किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस जो दर्शन कर रहे हैं अभी इस वक्त, जिस नदी को देख रहे हैं आप वीडियोस के जरिए, उसमें ये मान्यता है कि इसके दर्शन कर लिए तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य का फल मिलता है। तो ये पुण्य का फल आप तक अवश्य पहुंच रहा होगा क्योंकि इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से माँ सरयू के दर्शन कर पा रहे हैं। भव्य आरती का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल जब आप किसी भी घाट पर जाते हैं, ख़ास तौर पर जब घाटों की बात होती है तो बनारस याद आता है और बनारस की तर्ज पर विश्वास करिए अब जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको बिल्कुल वही माहौल देखने को मिलेगा, चाहे वो सरयू की आरती का हो जो बिल्कुल गंगा की आरती के समकक्ष दिखाई देती है, और साथ ही साथ में निश्चित तौर पर रामलला का जो विग्रह अब नए मंदिर में स्थापित हो रहा है वो विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। लगातार तस्वीरें और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। देखो बात तो सही है वैसे कि यहाँ बैठे बैठे आपने पुण्य के फल हमें प्राप्त करा ही दिए। नहीं अब देखो अयोध्या नहीं जा पाए तो क्या फायदा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल इसी को कहते हैं सत्या। यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे हमने अयोध्या के सारे दर्शन कर लिए। बिल्कुल आकांक्षा जी ये बताइए, इतने जो हमने खूबसूरत विजुअल्स देखे अयोध्या के, वो पुण्य नगरी अयोध्या धाम और सरयू नदी के, क्या लगता है कौन से वो शब्द हैं जो आपके मन में आते हैं इन विजुअल्स को देखने के बाद? जैसे मैंने अभी
बोलते हुए उन्हें सुना राम लला, वैसे एक खूबसूरत सा भजन याद आया उनके बचपन को दर्शाते हुए। सुन सकते हैं। ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजत बेजने ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत। बहुत अच्छे से नहीं आता पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आकांक्षा जी, अगर आपकी इस संगीत की यात्रा की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? घर में क्या संगीत में परिवेश था, या फिर आप पहली थी जिन्होंने की संगीत में एक फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की? हाँ, फॉर्मल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो मैं पहली ही हूँ, पर मेरी मदर को गाना अभी भी बहुत पसंद है। वो कुछ, क्योंकि वो उनकी अलग प्रायोरिटीज़ थी तो सीख नहीं पाई, और सबका समय अलग होता है, उनकी जनरेशन का अलग था। तो मुझे मौका मिला, उन्होंने ही मुझे सिखाया। वो रोज़ मुझे स्कूटी से पीछे बिठा के लेके जाती थी अपने तो उनकी वजह से ही मैं सीख पाई। तो मम्मी गाती थी और मुझे लेके जाती थी जब मैं छोटी थी, तो आर्य समाज मंदिर में कि तू गाएगी तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने भजनों से ही अपनी शुरुआत करी धीरे धीरे। सीखना तब भी शुरू नहीं किया था ठीक से, पर तो आपकी मेमोरी में वो कौन सा पहला गीत है या वो कौन सा पहला भजन है जो शायद आपने सीखा होगा अपनी माता जी से या फिर आपने गाया होगा? पहला भजन तो नहीं याद मुझे, बट क्या करती थी मैं, लता जी के गीत बहुत सुना करती थी। और कभी भी कुछ जैसे रिपब्लिक डे है या फिर जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे है, इन दोनों जैसे इन दोनों की बात आती थी तो मम्मी बोलती थी अरे अरे आ रहा है अभी जल्दी से कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग तैयार कर ले। तो मैं सुनती थी बहुत। फिर लता जी का वो गीत है ए मेरे वतन के लोगों, तो वो मैं बहुत गाती थी। और ऐसे ही कुछ कुछ गीत थे जो पेट्रियोटिक गीत, मम्मी मुझे पकड़ पकड़ के बोलती थी ये कर ये कर ये कर। तो अच्छा, जैसे भी 26 जनवरी आ ही रहा है, थोड़ा सा पेट्रियोटिक गीत सुन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आकांक्षा जी, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ सालों में जो एक बैठकों की परंपरा थी वो धीरे धीरे से खत्म हो रही थी, कम हो रही थी। पहले अगर हम देखें, याद करें, तो जो संगीत के दिग्गज हुआ करते थे, जैसे हमने देखे हैं भीमसेन जोशी जी और पूला जी, ये सब मिलकर संगीत की बैठकें, एक तरह जिसे आजकल कहते हैं जैमिंग, है ना, वो किया करते थे। लेकिन वैसी बैठकें आजकल बहुत कम होती जा रही है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब मैं आपको देखती हूँ, आपके काम को देखती हूँ, आपके वीडियोज़ को देखती हूँ, कि आपने इस तरह इस ये जो परंपरा थी, जो बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, क्योंकि उसमें ना क्या होता है कि आप 5-7-10 लोग बैठे हैं और 1-to-1 एक इंटरेक्शन होता है ना,
तो इतनी खूबसूरत परंपरा को आपने एक तरह से रिवाइव करने का काम किया है, करने का, हाँ. है ना? तो क्या लगा आपको, वाज इट अ कैलकुलेटेड थिंग, आई मीन आप करना चाहती थी या हो गया? हो गया ये. अच्छा, सच बताऊं तो मैं बचपन से ही ना इतनी डरपोक रही हूँ. अच्छा. अभी भी मैं बहुत आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट आई थिंक, बट बचपन में मेरे को डर लगता था स्टेज से. अच्छा. अभी भी स्टेज से डर लगता है, पर जो बैठक का माहौल होता है वो एकदम अलग होता है. हाँ. तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखती थी बैठक की पुरानी, तो मुझे लगता था यार ये कितना अच्छा है. हाँ. क्यों अभी हम स्टेज पे इतनी सारी लाइट्स होती है और फिर ऑडियंस को भी नहीं देख पाते हैं ठीक से, तो ऐसा क्यों करना है? हाँ, क्यों अब छोटी सी गैदरिंग नहीं करनी और क्यों पूरी मतलब हजार लोगों को दिखाना है? आप 50-60 लोगों के साथ भी बैठ सकते हो, 10 लोगों के साथ भी बैठ सकते हो, मैक्सिमम 100 लोगों के साथ भी बैठ सकते हो, पर उनके और मेरे बीच में जो फिर इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, सबसे बड़ी बात. एक इनफॉर्मल सेटअप होता है, इनफॉर्मल ही होना चाहिए मुझे लगता है, वरना वो मजा नहीं आता है. आर्टिस्ट को भी मजा नहीं आता है, मुझे खुद मजा नहीं आता है अगर मैं किसी बड़े से स्टेज पे गाती हूँ तो. मुझे लगता है कि यार मुझे बस ऐसे ही बैठक पे और नहीं, फिर ऐसे जब बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ बैठ के ऐसे गेट टुगेदर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनसे भी हमें सीखने को मिलती है ना. हाँ. मतलब काम तो ऐसे ही बढ़ता है. हाँ. और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है जब अपने ऑडियंस के साथ भी बैठे हैं, जो मतलब उनके कभी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या उनके जो कमेंट्स मिलते हैं, कई बार प्रश्न भी मिलते होंगे आपको. ऑडियंस से प्रश्न भी बहुत मिलते हैं और ऑडियंस से सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलता है. कितनी गजलें हैं जो मुझे शायद ऑडियंस ने ही बोली है कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए. कोई एक एग्जांपल यदि एग्जांपल अगर हम दें तो एक मेहदी हसन साहब की गजल है, देख तू दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है. जी. तो ऐसी उम्दा उम्दा गजलें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सुनी हुई नहीं थी मेरी, बट ऑडियंस ने मुझे बताया और मेरी आंखें भी खुली कि यार कितनी अच्छी बात है कि ऐसी ऑडियंस भी है इस जमाने में जो गजलें सुन रही है, जो मुझे लगता था कि नहीं है, बट मेरा विश्वास और बरकरार रहा. जी, तो सुन सकते हैं दो लाइनें इस गजल की या किसी भी और गजल की, जो भी आपका मन कर रहा है. आपकी फेवरेट गजल कौन सी है? वैसे तो मुझे ये भी बहुत पसंद है, लेकिन आपकी फेवरेट गजल मुझे लगता है आज जाने की जिद ना करो. अरे अरे अरे, क्या बात है, एक मिनट बस दीजिए. जी, ये गजल हमने बहुत सारी आवाजों में सुनी है, चाहे हम आशा भोसले जी की बात करें या अन्य कलाकारों की बात करें, लेकिन आपकी आवाज में ना कुछ अलग ही इसका एक अंदाज दिखता है. बहुत शुक्रिया आपका, मतलब बहुत बड़ी बात है ये सुनना मेरे लिए, क्योंकि आशा भोसले जी से मैं खुद को कंपेयर कभी कर नहीं सकती हूँ, पर और मैं करूँगी भी नहीं. मैं अपने तरीके से थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको. वैसे फरीदा खानम जी की मैंने सबसे पहले सुनी थी गजल. हाँ. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. आपकी प्रारंभिक मतलब गुरु कह सकते हैं कि आपकी माता जी रही,
लेकिन क्लासिकल आपने सीखा है या सीखा ही नहीं है? किस उम्र से आपने सीखना शुरू किया, अगर सीखा तो? मेरी प्रारंभिक गुरु माता जी रही, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया, सीखने के लिए मोटिवेट किया और फिर मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा उन्होंने ही आपको मतलब सिखाना भी नहीं, है नहीं, अच्छा, नहीं, वो, okay, वो अच्छा। उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग कभी खुद नहीं ली तो अच्छा, हाँ। पर वो मुझे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मुझे इधर उधर ले जाती थी बहुत ज़्यादा। मैं बताती हूँ कहाँ ले जाती थी। सबसे पहले मैं छोटी सी थी, शायद 3-4 साल की, मेरा ब्रदर भी, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अनुभव मेरे भाई का नाम, तो उसकी आवाज बहुत अच्छी है, पर उसका इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल। तो घर पे होम ट्यूशन, चाहे इतना पैसा नहीं था हमारे घर में, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स को था कि नहीं सिखाना है, तो भैया के लिए आए थे टीचर, बट उसको इंटरेस्ट नहीं था और मैं साइड से देखती थी यार कि क्या कर रहे हैं, मेरे को करना है, तो मेरा मन कर रहा है भैया बड़े हैं, भैया बड़े हैं आपसे, तो मेरा मन कर रहा था कि यार ये, फिर देखा कि 15 दिन बाद तो वो उन्होंने देखा 15 दिन बाद कि मैं बैठी हुई हूँ केसियो बोलते थे उस समय, हालांकि कीबोर्ड ही है वो, तो उस समय मैं बैठी हुई थी और वो फिर पता नहीं क्या कुछ खेलने चला गया था, गया था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी कीबोर्ड सीखने की। अच्छा, तो मैंने कम से कम 2 साल तो कीबोर्ड सीखा था इंडियन तरीके से, नॉट द वेस्टर्न वे, तो उससे मेरे को लगता है कि, मुझे लगता है कि मेरे उससे सुर पक्के हुए। उसके बाद मैं जब स्कूल में थी तो मेरी टीचर थी मेरी गुरु माँ श्री अंजु मुंजाल जी। अच्छा। डॉक्टर अंजु मुंजाल, तो वो मेरी स्कूल टीचर भी थी, तो मेरी मदर जो है वो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छी आवाज़ है, इनको सिखाओ, तो मम्मी मुझे फिर आधा घंटा स्कूटी पे पीछे बिठा के लेके जाती थी उनके घर पे, और उस समय वो मुझसे फीस भी नहीं लेती थी। अच्छा। क्योंकि तो बहुत ही आभारी हूँ मैं उनकी भी कि उन्होंने मुझे सिखाया। तो अभी किसी घराने से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जी, जी, जी। उसके जी। बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़े, दिल्ली गई मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने, पहले तो मैंने कॉमर्स की पढ़ाई करी क्योंकि अच्छा। मेरे माता पिता जो है वो अल्टीमेटली चाहते नहीं थे कि मैं संगीत में करियर बनाऊं। अच्छा। तो चाहते थे कि, क्योंकि पापा बैंक में, मम्मा की भी सेंट्रल। लेकिन अब तो बड़ा गर्व होता होगा उनको। अब बहुत गर्व होता है, नो डाउट। पर फिर मैंने सीखा श्रीमती शाश्वती मंडल जी से, वो ग्वालियर घराने से हैं जी, वही तालीम अभी मैं कंटिन्यूड है मेरी। और चलिए चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी, कोई और राम भजन या जो आपकी इच्छा हो? बिल्कुल। वैसे ऐसा होता है ना देखो कि मतलब शौक होते हैं, पेरेंट्स हेल्प करते हैं, बट करियर बनाने के लिए उसको फिर ऐसे, जैसे चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, ऐसा बहुत सपोर्ट यूजुअली फर्स्ट टाइम में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा जी, थोड़ा सा होता है कभी कभार, लेकिन मुझे लगता है अगर आपके मन में विश्वास है तो सारी दुनिया और फिर ठीक है, अब तो प्राउड है, एंड में अंत भला तो सब भला। एक बहुत ही पसंदीदा गीत है मेरा जो है, मन आनंद आनंद छायो, हीर भैरव में है वो भी, और मूवी थी विजेता मूवी का था, 1982 का गाना है। अच्छा। बहुत पुराना है, आशा नहीं, हाँ आशा जी का गाया हुआ है। उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल अर्पण के पल हर सिंगा, गीत सिंदूरी गायो मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। ना कोई
बात नहीं, ये वही वैसे आपने गाना ना बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से चुना है, मन आनंद आनंद छायो। सच में आपके गीतों से, आपके संगीत से भी मन में आनंद छा गया है और जैसा माहौल है उससे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी आपका कि आप यहाँ आई और आपने हमारे इस पूरे कार्यक्रम का जो माहौल है इतना संगीत में बना दिया और सबके मन में आनंद आनंद जो छा चुका है। फिर से मन कहता तो है कि आज जाने की जिद ना करो, हाँ। लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ हमारे शो में आए जी।